हेलो बच्चों, प्री मेडिको यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अनुज विश्वकर्मा। बेटा, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एनटीए टेस्ट 100 केमिस्ट्री क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। बेटा, कुछ दिनों से वीडियो में थोड़ा डिस्टरबेंस हो गई है। 99 वाला अभी आपका नहीं बन पाया है, इसके पहले 91, 92 और ये सब भी वीडियो नहीं बन पाए हैं। तो बेटा, उसको मैं जल्दी बनाने की कोशिश करूंगा और कोशिश ये करूंगा कि जो बेटा आपके एग्जाम 10 दिन बचे हैं, जैसा कि एनटीए ने क्लियर कर दिया कि एग्जाम कराएगा ही वो, तो बेटा मैं कोशिश करूंगा कि जो मतलब बंचेज आप जैसे पीछे के जो टेस्ट पेपर हैं उसको रिवीजन के तौर पे, जैसे 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन एक टेस्ट पेपर भी ले लिया उसको डिस्कस कर दिया, तो ऐसे दो दो तीन तीन चार चार टेस्टों को मैं कवर अप करके एक बनाऊंगा। ठीक है, तो बेटा आज शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो देख रहा हो आपके स्क्रीन पे वो है बेटा, विच स्टेटमेंट अबाउट हाइब्रिडाइजेशन इज फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। हाइब्रिडाइजेशन के रिलेशन में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है ये पूछ रहे हैं। तो पहला लिखें बेटा, हाइब्रिडाइजेशन इज द मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल प्रियर टू देयर कंबाइन इनटू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बिल्कुल सही है बेटा, एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, ये आपको पता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड क्या कह रहे हैं बेटा, sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल आर फॉर्म फ्रॉम 2p एटॉमिक ऑर्बिटल एंड 1s ऑर्बिटल। बिल्कुल, इसमें 2p ऑर्बिटल लग रहे हैं बेटा और एक s ऑर्बिटल लग रहा है, तो इसीलिए sp2 हाइब्रिडाइज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, d2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल आर डायरेक्टेड टुवर्ड द कॉर्नर ऑफ अ रेक्टेंगुलर ऑक्टाहेड्रॉन। बेटा, d2sp3 का शेप क्या होता है आपको पता ही होता है, ऑक्टाहेड्रल, और ऑक्टाहेड्रल है तो आप बताओ, जाहिर सी बात है कि ये ऑक्टाहेड्रल है तो ऑक्टाहेड्रॉन होगा, तो ये भी सही है। नेक्स्ट जो फोर्थ स्टेटमेंट है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल आर एट 90 डिग्री टू वन अनदर। बेटा ये गलत है, क्योंकि देखो sp2 का जो शेप होता है बेटा वो होता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होता है बेटा, ये मान लो ये हो गया और ये हो गया, ठीक, ये शेप हो गया आपका ट्राइगोनल बाई पिरामिडल का। ठीक है, अब इसमें देखो बेटा, ये इन दोनों के बीच में तो एंगल 90 का है, लेकिन यहाँ पे देखो ये जो एंगल है बेटा ये कितने का होगा, 120 डिग्री। क्लियर, अब ये 120 डिग्री हो गया, और बेटा ये जो ये इनके और इसके बीच में बेटा यहाँ पे कोण कितना हो जाएगा, 180 डिग्री का। तो इसमें 90 भी है, 20 भी, 120 भी है और 180 डिग्री भी है, तो ये केवल केवल 90 कह रहे हैं तो ये गलत है, और गलत ही पूछ रहे हैं आपसे, तो आंसर कौन सा होगा, डी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग द एनर्जी ऑफ सब सेल। बताओ, द एनर्जी जो होती है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन प्लस एल वैल्यू। ठीक है, और अगर एन प्लस एल की वैल्यू क्या हो, दो के लिए बराबर है, तब बेटा आप प्रिफर करोगे एन को। ठीक है, 5p के लिए एन प्लस एल की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 5p के लिए एन की वैल्यू 5, या 5p के लिए मैं बता दूं आपको, 5 के लिए एन प्लस एल की वैल्यू होगी ये हो गया 5, p के लिए 1 तो ये हो गया 6, 4f के लिए क्या होगी, 4f के लिए एल की वैल्यू होती है 3 तो ये हो गया 7। नेक्स्ट है 6s, 6s हो गया, 6s का यह 6, s की 0 तो ये हो गया 6, और बेटा 5d तो ये हो गया 5 प्लस 2 इक्वल टू 7। क्लियर, अब देखो मैं बताया था कि एन प्लस वाई एल की वैल्यू ज्यादा तो ई की वैल्यू ज्यादा, तो ये बताओ एन प्लस वैल्यू इसकी ज्यादा है और इसकी ज्यादा, तो ये तो सबसे ज्यादा उनकी एनर्जी होगी, तो 4f एंड 5d की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी एज कंपेयर टू 5d 5p एंड देखो 5p बेटा 6 इसका भी है और 6s का। ठीक है, इन दोनों में जाता है क्योंकि n प्लस l की वैल्यू इसके लिए 7 है और इसके लिए 7 है। नेक्स्ट है कि अगर दोनों सेम हो तो क्या करेंगे, जब दोनों सेम हो तो बेटा इसमें n की वैल्यू को प्रिफर किया जाए, जिसमें n की वैल्यू ज्यादा होगी उसका एनर्जी ज्यादा होगा। n देखो किसमें ज्यादा है, n देखो इसमें क्या है, इसमें n की वैल्यू 5 है जबकि इसमें n की वैल्यू 4 है, इसलिए ये ज्यादा होगा, और इन दोनों में देखो इसमें n की वैल्यू किसमें ज्यादा है, 6 6 में देखो ये 6 है तो s की वैल्यू ये ज्यादा, ओवरऑल एनर्जी का ऑर्डर जो होगा बेटा ये होगा, तो आंसर कौन सा होगा, यही होगा आंसर, तो बी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द करेक्ट फार्मूला ऑफ एलम, बेटा ये होगा के टू एस ओ फोर डॉट एल टू एस ओ फोर का होल थ्राइस डॉट 24 एस टी ओ। बेटा ये कौन सा एलम है? ये आपका पोटाश एलम का एग्जाम्पल है, ठीक है, ये पोटाश एलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल। इट रिफ्लेक्ट द सीक्वेंस ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू सब कैटेगरी लेवल ऑफ एस पी डी एफ। बिल्कुल इसी के फिलिंग के वजह से आपके पीरियडिक टेबल में जो ब्लॉक बने हैं बेटा वो इसीलिए बने हैं, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। नेक्स्ट कह रहे, इट है टू प्रिडिक्ट द स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट। बेटा ये गलत है। गलत क्यों है? कि कोई एलिमेंट में कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है ये पीरियडिक टेबल प्रिडिक्ट नहीं करता है। जैसे आप मैंगनीज का मान लो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट हम कहें +2 है, तो ये +2 क्यों है? क्लियर, ये +2 क्यों है इसका एक्सप्लेनेशन पीरियडिक टेबल नहीं करता है। तो बेटा ये स्टेटमेंट गलत है, इनकरेक्ट ही पूछ रहे हैं, तो आंसर कौन सा होगा? बी होगा। बाकी दो स्टेटमेंट भी चेक करते हैं। इट रिफ्लेक्टेड ट्रेंड ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। बिल्कुल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी हम पीरियडिक टेबल से डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट है, इट हेल्प टू प्रिडिक्ट द रिलेटिव आयोनिसिटी ऑफ द बॉन्ड बिटवीन एनी टू एलिमेंट। ये भी सही है, क्योंकि आपको पता है लेफ्ट साइड आपके लिए मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, राइट साइड मोर इलेक्ट्रो निगेटिव है, तो जितना जो जितना डिस्टेंसिंग पे होगा उतनी ज्यादा उसकी आयोनिसिटी होगी। ये चीज आप पीरियडिक टेबल से प्रिडिक्ट कर सकते हो, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो गलत कौन है? ये गलत है, इसलिए हमारा आंसर यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ बाइनरी वीक इलेक्ट्रोलाइट, मान लो कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है लाइक ए बी, ये वीक है तो ये किस में टूटेगा बेटा? ए प्लस एंड बी माइनस। इसके लिए आपको आप पूछ रहे हैं बेटा सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, सॉलिबिलिटी पूछ रहे हैं। तो मान लो इसका एस होगा, इसका एस होगा, तो के एस पी बराबर हो जाएगा आपका एस इंटू एस, मतलब एस स्क्वायर, तो एस इक्वल टू हो जाएगा रूट ऑफ के एस पी, इसकी वैल्यू 2 × 10⁻¹⁰ दी गई है, सॉरी बेटा 4 × 10⁻¹⁰ दी गई है, हो जाएगा 2 × 10⁻⁵। तो आंसर कौन सा होगा? बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज करेक्ट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड। पहले मैं बेटा सिलिकॉन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर बना दूं। देखो ये होता है स्ट्रक्चर सिलिकॉन डाइऑक्साइड का, बेटा ये पॉलीमेरिक फॉर्म में पाया जाता है, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, ये होता है आपका सिलिकॉन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब पढ़ते हैं स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं आपसे, ईच सिलिकॉन एटम इज सराउंडेड बाई 4 ऑक्सीजन एटम। देखो एक सिलिकॉन 4 से सराउंडेड है, 1 2 3 4, इतनी बात तो सही है। एंड ईच ऑक्सीजन एटम इज बॉन्डेड टू 2 सिलिकॉन एटम। देखो एक ऑक्सीजन एटम क्या 2 सिलिकॉन से बॉन्डेड है, तो ये बात भी सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, तो आंसर कौन सा होगा? ए इज द राइट आंसर। बाकी स्टेटमेंट पढ़ लेना बेटा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन आयोडीन इज पास थ्रू द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एनएएफ एनएबीआर एनएसीएल, तो क्या बनेगा? बेटा आपको पता है कि आयोडीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है, तो ये इसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा, और ये रिप्लेस नहीं कर पाएगा तो जाहिर सी बात है कोई भी कंपाउंड नहीं बनेगा। तो आंसर कौन सा होगा? डी, ठीक है, क्योंकि आयोडीन लेस रिएक्टिव है एज कंपेयर टू फ्लोरिन ब्रोमिन एंड क्लोरिन, तो इसके वजह से मोर रिएक्टिव कभी भी लेस रिएक्टिव द्वारा रिप्लेस नहीं हो सकता, तो इसलिए क्या होगा आंसर कौन सा होगा? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेट ऑफ रिएक्शन इज डबल बाय एवरी 10 डिग्री राइज इन द टेम्परेचर, द इंक्रीज इन रिएक्शन रेट एज द रिजल्ट ऑफ टेम्परेचर फॉर्म। कह रहे इतना टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट में चेंजेस क्या होगा? बेटा आपने फार्मूला पढ़ा होगा के K+10 / K2 = R1, ये मुझे फार्मूला नहीं बताना है, मैं आपको एक स्टैटिक फार्मूला बताऊं। जो न्यू रेट होगा बेटा उसको मान लो आर टू, ये होगा 2 × 10⁻¹⁰। इस फार्मूले को आप ध्यान दो, एक ट्रिकी फार्मूला है, जब भी टेम्परेचर चेंज का आए रेट ऑफ रिएक्शन के लिए आप इसको यूज करो और बिल्कुल आसानी से आपको क्वेश्चन आ जाएगा। हमें आर टू चाहिए, टू चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, 100 − 10 करेंगे बेटा हो जाएगा 90/10 × R1। क्लियर, तो देखो ये हो जाएगा 2 × 9 R1, इसको जब आप वो करोगे तो हो जाएगा 512 R1, तो कितना गुना रेट बढ़ जाएगी, 512 टाइम्स, तो आंसर कौन सा होगा? बी इज द राइट आंसर। बेटा ये थोड़ा इजी है, आप इसको यूज करोगे क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। नेक्स्ट है, द ऑर्डर ऑफ लिविंग ग्रुप एबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज,
बट आपको पता है कि जो लिविंग ग्रुप टेंडेंसी होती है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्जुगेट बेस। जो जितना वीक कॉन्जुगेट बेस होगा वो उतना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, ये होता है। तो बेटा अब इसका कॉन्जुगेट बेस की स्ट्रेंथ देखनी है तो क्या करोगे आप? उसके लिए सबसे पहले एसडी की स्ट्रेंथ देख लेते हैं। तो इसका एसिड बनाएंगे तो बेटा ये क्या हो जाएगा, ACOH, मतलब एसिटिक एसिड। क्लियर? ये हो जाएगा बेटा MEOH, ये हो गया क्या मीथेनॉल, ये हो जाएगा बेटा MESO3H, और यहां पे हो जाएगा बेटा CF3SO3H। क्लियर? ये एसिड हो गए। अब बताओ सबसे ज्यादा मोस्ट स्टेबल एसिड, ये फर्स्ट एसिड बन गया, ये सेकेंड एसिड है, और ये थर्ड एसिड है बेटा, और ये फोर्थ एसिड है। अब एसिडिक स्ट्रेंथ की ऑर्डर की बात करो तो देखो सबसे ज्यादा फोर होगा, देन आपका थर्ड होगा, देन फर्स्ट होगा, एंड देन सेकेंड होगा। यही तो होगा बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये है। तो कॉन्जुगेट बेस का ऑर्डर जस्ट रेसिप्रोकल होगा, ये होगा सेकेंड, देन फर्स्ट, देन थर्ड, एंड लास्ट में फोर्थ। ठीक है? लेकिन जो लिविंग ग्रुप है इस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्जुगेट बेस, तो बेटा ये जो ऑर्डर होगा ये डायरेक्ट लिविंग ग्रुप वाला ऑर्डर हो जाएगा। तो सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप कौन होगा? फोर्थ, देन थर्ड, देन फर्स्ट, देन सेकेंड। तो आंसर कौन सा होगा? बी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिनॉल गिव कैरेक्टरिस्टिक कलरेशन विद, बेटा न्यूट्रल एफिसिल्थेरेसी सोल्यूशन से देता है। आपको पता है टेस्टिंग में पहले ही बता चुका हूं कि फिनॉल की टेस्टिंग के लिए इसका यूज किया जाता है, और ये वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स देता है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज यूज टू मेक नॉन स्टिक कुकवेयर, नॉन स्टिक कुकवेयर के लिए कौन यूज किया जाता है बेटा? टेफलॉन। और टेफलॉन का मोनोमर क्या होता है? टेफलॉन को क्या कहते हैं? पॉली टेट्राफ्लोरोइथाइलीन। डी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इन वुल्फ किशनर रिडक्शन द कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन इज कन्वर्टेड इनटू, बेटा ये होता है ग्रुप आपका, इस पे जब वुल्फ किशनर रिडक्शन कराते हैं क्या होता है, हाइड्रोजन लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, तो ये जो ग्रुप है ये बेटा कन्वर्ट हो जाता है CH2 में। क्लियर? तो ये कौन सा है, कार्बोक्सिली ग्रुप है, किसमें कन्वर्ट हो गया इस ग्रुप में? तो आंसर कौन सा होगा? ए इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Among the following outer electronic configuration atom, which atom can have the highest oxidation state? बेटा highest oxidation state होता है highest oxidation state होता है ns इलेक्ट्रॉन प्लस n माइनस वन d इलेक्ट्रॉन, और ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा ये क्या होंगे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है? मतलब जो एस में जितने इलेक्ट्रॉन है वो, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी में कितने हैं वो, उन दोनों को मिला के जो जितना आएगा वही हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। तो इसमें देखो ये हो जाएगा कितना बेटा, 5 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6 आपका, और यहाँ पे कितना अनपेयर्ड 2 है, 2 कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे हो जाएगा बेटा 7। तो हाईएस्ट कितना आ रहा है? 7। तो यही हमारा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, तो डी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड इज बेस्ट यूज फॉर द कंसेंट्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ओर, बेटा किसके लिए यूज किया जाता है फ्रोथ फ्लोटेशन? ये यूज किया जाता है बेटा सल्फाइड ओर के लिए, और सल्फाइड ओर में इसमें कौन सा एग्जाम्पल है बेटा? गैलेना। गैलेना एक्चुअली क्या है? लेड सल्फाइट है। तो आंसर कौन सा होगा बेटा? ए गैलेना इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। द करेक्ट यूनिट सेल डायमेंशन ऑफ ट्राइगोनल क्रिस्टल सिस्टम, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, जस्ट रिमाइंड करना है। आंसर कौन सा होगा? बी होगा। ओके, 9। फॉर द फिजिबिलिटी ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन इन अ सेल इट ईएमएफ शुड बी, बट अ फिजिबल रिएक्शन के लिए क्या होना चाहिए, फिजिबिलिटी का सेंस क्या है, ये पूछ रहे हैं स्पॉन्टेनिटी के लिए। और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन तब होगी जब डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव होगी, और डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव तब होगी जब ईएमएफ की वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव होगी, क्योंकि आपको पता है डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है, माइनस एन एफ ई सेल। और बेटा जब ई सेल ही पॉजिटिव होगा तभी तो ओवरऑल वैल्यू निगेटिव आएगी, और जो ओवरऑल वैल्यू निगेटिव आएगी तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, मतलब फिजिबल होगी। तो आंसर कौन सा होगा बेटा? ए पॉजिटिव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन।
पूछा द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट अबाउट रेजोनेंस, रेजोनेंस के अबाउट में इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहे हैं। रेजोनेंस स्ट्रक्चर शुड हैव इक्वल एनर्जी, बेटा ये स्टेटमेंट सही है, लगभग होता है सबकी एनर्जी इक्वली होती है, क्लियर, तो ये स्टेटमेंट सही है। इन रेजोनेंस स्ट्रक्चर द कॉन्स्टिट्यूएंट एटम शुड बी इन द सेम पोजिशन, पोजिशन जो एटम का होता है वो चेंज नहीं होता है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। इन रेजोनेंस स्ट्रक्चर देयर शुड नॉट बी द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बेटा ये गलत है, इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, इवन बॉन्ड भी सिमिलर पाए जाते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, तो बेटा ये कह रहा है कि सेम नंबर, नॉट सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर होने चाहिए, बेटा गलत है। ये स्टेटमेंट क्यों गलत है, क्योंकि क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर की तो वैल्यू सिमिलर आनी ही चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेटमेंट तो यही गलत है, तो आंसर कौन सा होगा, सी द राइट आंसर। बेटा आपको पता है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में केवल हम लोकेशन चेंज होता है इलेक्ट्रॉनों का, एटम अपने पोजीशन चेंज नहीं करते, जबकि यही टॉटोमेरिज्म में फर्क है। टॉटोमेरिज्म में क्या होता है बेटा, टॉटोमेरिज्म में क्या होता है कि आपका एटम वेरी करता है, रेजोनेटर में ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साल्ट ऑफ कॉज द हार्डनेस ऑफ, बट आपको पता है कैल्शियम मैग्नीशियम साल्ट के क्या है, क्लोराइड या बाइकार्बोनेट साल्ट जो होते हैं वो हार्डनेस कॉज करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड उसको कहते हैं जिससे कार्बन मेटल से डायरेक्टली बॉन्डेड हो, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, बेटा अगर इसको यू करो आप तो ये हो गया CH3CH2MgBr, ये क्या है, ग्रिगनार रिएजेंट या ऑर्गेनोमेटेलिक होता है। टेट्राइथाइल लेड, टेट्राइथाइल लेड क्या होगा बेटा, CH3CH2O4Pb, बेटा ये भी ऑर्गेनोमेटेलिक है। सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड ये होता है CH3ONa, बेटा इसमें देखो आप जो सोडियम है ये ऑक्सीजन से बॉन्डेड है ना कि कार्बन से, तो बेटा ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं होगा, तो आंसर कौन सा होगा, सी ट्राइमिथाइल एल्युमिनियम, भी बेटा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्डर ऑफ गिवन रिएक्शन, बेटा ऑर्डर ये बेटा कौन सी रिएक्शन है, सनलाइट है मतलब क्या है, फोटोकेमिकल रिएक्शन, और जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होती हैं बेटा ये होती हैं इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती हो, जब रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी ही नहीं तो कौन से ऑर्डर की रिएक्शन होगी, आपको पता है जीरो ऑर्डर की रिएक्शन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द सेल कॉन्स्टेंट इफ द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ सोल्यूशन इज दिस एंड द कंडक्टिविटी इज, बेटा कप्पा इन्होंने कितना दिया है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस 0.2 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और कंडक्टिविटी मतलब सीधा कंडक्टेंस दिया इन्होंने 0.04, और आपसे पूछ रहे हैं सेल कांस्टेंट, आपको पता है बेटा कप्पा इक्वल टू होता है सी एल बाई ए, और बेटा जो एल बाई ए है यही क्या है आपका, ये है सेल कांस्टेंट, ठीक है आपको वैल्यू पता है, तो यहाँ पे एल बाई ए इक्वल टू हो जाएगा आपका कप्पा बाई सी, कप्पा की वैल्यू है 0.2 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और यहाँ पे कितना है बेटा 0.04, इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 5 सेंटीमीटर इनवर्स। ओके आंसर कौन सा होगा, सी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, बेटा इसमें जो ये होता है नाइट्रोसिल ग्रुप, इसमें +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाएगा, जिसकी वजह से आयरन भी क्या होता है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, इसी वजह से ब्राउन रिंग शो करता है, तो आंसर कौन सा होगा, ए इसमें आयरन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है। द ऑर्डर ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, बेटा ऑर्डर ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई इंटू सी होता है, क्लियर, अब बेटा सी सबके लिए सिमिलर है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई हो जाएगा, जिसकी वैल्यू आई की वैल्यू ज्यादा होगी उसके लिए होगा, NaCl में आई की वैल्यू कितनी होगी 2, इसमें कितनी होगी बेटा 3, और इसमें कितनी होगी 4, तो सबसे ज्यादा इसका होगा मतलब ये, तो आंसर कौन सा होगा बेटा, अभी क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या कॉलिगेटिव प्रोपोर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉन्ट ऑफ फैक्टर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच आरएमएस वेलोसिटी ऑफ SO2 बिकम इक्वल टू दैट ऑफ, आरएमएस वेलोसिटी क्या होती है, वी आरएमएस होता है बेटा √3
RT/M, ठीक है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T/M का रूट, क्लियर। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि T1 M1 इक्वल टू T2 M2, रूट लेंगे बेटा, रूट दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। तो T1 की वैल्यू क्या है, मान लो SO2 को हम इसी की पूछ रहे हैं, तो इसको T1 ले लिया, तो इसी टेम्परेचर को T1 मान लो। मान लो बेटा SO2 कितना हो जाएगा, 64, और ऑक्सीजन का बेटा कितना है, 303 लिया है इन्होंने, और ये हो गया बेटा 32। ये यहाँ से डिवाइड करो दो, तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो T1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 606 केल्विन। तो आंसर क्या होगा, बी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करता है, अल्टर द इक्विलिब्रियम इन द रिएक्शन। गलत है, ये इनहेंस करता है इक्विलिब्रियम को जल्दी लाने के लिए, लेकिन उसका अल्टरेशन नहीं करता है। कराइट ऑलवेज इन द सेम फेज एज द रिएक्टेंट। गलत बेटा, ये दोनों तरफ एक्ट करता है, प्रोडक्ट के साइड भी और रिएक्टेंट के साइड भी। पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन एंड प्रोवाइड इजियर पाथवे फॉर द सेम रिएक्शन। बिल्कुल सही है बेटा, पार्टिसिपेट करता है, एनर्जी कम करता है और इजियर वे देता है जिससे रिएक्शन फास्ट होता है। आंसर कौन सा होता है, सी, पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन में, नहीं ये गलत है। ये पार्टिसिपेट्स तो होता है पर यूज नहीं होता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द करेक्ट अबाउट द डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्केलाइड। बेटा डिहाइड्रोहेलेशन E2 का एग्जांपल है, मतलब E2 इलिमिनेशन का, ये इलिमिनेशन रिएक्शन है। ओके, समझ में आ गया। अरे ये हो गया बेटा, ये CH3 CH2, मान लो ये Br हो गया, इस पे जब आप एल्कोहलिक KOH यूज करोगे तो ये बताया डिहाइड्रोहेलोजिलेशन, और ये बेटा E2 इलिमिनेशन का एग्जांपल है, जिससे फर्दर क्या बन जाती है, आपकी एल्कीन बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग। अल्फा और बीटा के रिस्पेक्ट में पेनिट्रेटिंग के पावर हम कह रहे हैं, तो बेटा आपको सबसे पता है कि सबसे कम पेनिट्रेटिंग पावर अल्फा की होगी, देन उसके बाद होती है बेटा बीटा की, एंड देन गामा की, ठीक है। मतलब ये ऑर्डर ऑफ पेनिट्रेटिंग पावर है, ठीक है। अब पेनिट्रेटिंग पावर का ऑर्डर पता चल गया, बस वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं। पहला अल्फा इज मोर पेनिट्रेटिंग, गलत है, कहाँ अल्फा, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, यही तो हमारा आंसर होगा, बाकी मैच कर लें। अल्फा हैव द लेस पेनिट्रेटिंग पावर, गामा सही है। बीटा हैव लेस गामा, ये भी सही है। बीटा हैव मोर पेनिट्रेटिंग पावर देन अल्फा, ये भी सही है। तो गलत कौन है, तो हमारा आंसर कौन है वो आपको पता चल गया। नेक्स्ट, विच रिएजेंट कैन फॉर्म क्रिस्टलाइन ओसाजोन डेरिवेटिव विद ग्लूकोज। बेटा वो होता है फिनाइल हाइड्राजीन। जब बेटा हम ग्लूकोज पे तीन मॉलिक्यूल फिनाइल हाइड्राजीन का यूज करते हैं, फिनाइल हाइड्राजीन का स्ट्रक्चर होगा H2N, NH, यहाँ पे हो जाएगा PH। जब ये करते हैं तो बेटा हमें मिलता है ओसाजोन, ठीक है, समझ में आ गया। तो आंसर क्या होगा, फिनाइल हाइड्राजीन यूज करने पे हमें ओसाजोन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइनोहाइड्रिन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन फॉर्म लैक्टिक एसिड। साइनोहाइड लैक्टिक एसिड क्या होता है बेटा, ये होता है CH3C, यहाँ पे हो जाएगा OH, यहाँ पे H, और यहाँ पे हो जाएगा COOH, यही तो क्या है आपका लैक्टिक एसिड है। अब साइनोहाइड्रिन कह रहे हैं मतलब यहाँ पे क्या होगा, साइनाइड रहा होगा, तभी तो इसका ऑक्सीडेशन होने के बाद ये चेंज हुआ होगा। मतलब एक्चुअली जो साइनोहाइड्रिन चाहिए वो हमें ये चाहिए CH3COH, और यहाँ पे क्या चाहिए CN और H, यही तो साइनोहाइड्रिन है जिससे ये एसिड बनेगा। अब ये किससे बनेगा बेटा, ये बनेगा आप साइनाइड की रिएक्शन कराएंगे किस पे, तो ये बेटा हम इस पे रिएक्शन कराएंगे, डबल बॉन्ड OH, इस पे जब हम HCN की रिएक्शन कराएंगे तो ये बेटा क्या होगा, ये H+CN- न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, ये यहाँ पे रोटेट करेगा, माइनस चार्ज आएगा, ये इस पे अटैक करेगा, अल्टीमेटली बन जाएगा CH3C, यहाँ OH, बेटा यहाँ CN जोड़ जाएगा और ये H बन जाएगा, ठीक है। क्या यही बन गया, और जब ये बना तो बेटा कौन सा होगा, ये होगा आपका कार्बोनिल कंपाउंड, क्लियर। मतलब साइनाइड एक ऐड होगा तो जो कार्बोनिल कंपाउंड होगा वो दो कार्बन कंटेनिंग होगा, इसमें देखो दो कार्बन कंटेनिंग कौन है, केवल यही है, तो आंसर यही है। तो इस तरीके से भी आप पता कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द मोनोमर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ नायलोन 6,6:6 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, एडिपिक हो जाएगा, और आपको पता है 6-डाइएमीन भी यूज करते हैं 6 कार्बन का, तो हेक्सामेथाइलीन डाइएमीन, ये भी आंसर होगा। तो आंसर कौन सा होगा बेटा, सी, इट जस्ट अ रिमेम्बर क्वेश्चन,
पॉलीमर के क्वेश्चन बेटा सबसे इजी, फ्री के नंबर याद करो, आंसर टिक करो, आगे बढ़ो। नेक्स्ट, विच कंपाउंड कैन बी यूज्ड टू प्रिपेयर एजोडाई। एजोडाई बनाने के लिए बेटा आपको क्या चाहिए? डाई एजोनियम साल्ट। और डाई एजोनियम साल्ट किससे बनाते हैं बेटा? बनाते हैं एनिलीन से। एनिलीन पे जब हम क्या करते हैं, नाइट्रस एसिड की रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, तो बेटा डाइजोनियम साल्ट बनेगा। और फिर डाइजोनियम साल्ट बनने के बाद फर्दर हम रिएक्शन कराएंगे तो एजोडाई का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करलेस गैस हैव टू स्मेल अ रोटन फिश लाइक। बेटा ये होती है फॉस्फीन आपकी, यही रोटन फिश लाइक स्मेल आती है इसकी, ये आपको पता है पॉइजनस गैस है। व्हाट इज वर्डिग्रिस? बेटा वर्डिग्रिस होता है बेसिक कॉपर एसिटेट, वर्डिग्रिस होता है। क्लियर? कॉपर एसिटेट बेसिक जो होगा वही वर्डिग्रिस होता है, ये जस्ट रिमेम्बर करना है आपको, उसमें कुछ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंक एंड जिंक सल्फेट का कंसंट्रेशन कम दिया है डैनियल सेल में, और कह रहे हैं कि इस कंसंट्रेशन पे ये वैल्यू इवन है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि जब हम कंसंट्रेशन रिवर्स कर दे रहे हैं तो ईएमएफ E2 हो जा रहा है, तो E1 और E2 में क्या रिलेशन? मतलब ये कह रहे हैं कि जब जिंक डाई पॉजिटिव है, कंसंट्रेशन उसका कितना लिया है 0.01 मोलर, और कॉपर डाई पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन 1 मोलर लिया, तो जिसके लिए जो ईएमएफ आ रहा है बेटा वो E1 आ रहा है। अब ये कहोगे जिंक डाई पॉजिटिव कंसंट्रेशन सर कहाँ से लिख दिया? बेटा ये किस फॉर्म में है, ये जिंक डाई पॉजिटिव में ही तो है, और इसके लिए कंसंट्रेशन की वैल्यू ये है। यहाँ जो कापर है किस फॉर्म में है, डाई पॉजिटिव फॉर्म में, तो इसलिए इसका कंसंट्रेशन मैंने ये लिख दिया। अब समझ गए आप? अब क्या कह रहे हैं, कंसंट्रेशन को चेंज कर रहे हैं, तो चेंज कर लो। जिंक डाई पॉजिटिव को क्या कह रहे हैं ये, कि इन्होंने 1 मोलर ले लिया, और कॉपर डाई पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन इन्होंने कितना ले लिया, 0.01 मोलर। ठीक है, अब पूछ रहे हैं कि अगर ये E2 हो गया तो E1 और E2 में रिलेशन क्या होगा? तो देखो आपको नर्स इक्वेशन आती है, नर्स इक्वेशन में क्या है, ये होता है E सेल इक्वल टू, ये होता है E नॉट सेल माइनस 0.06 बाई n लॉग क्यू। ये तो होता है लॉग क्यू, अब क्यू क्या होता है रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, अब क्यू निकालते हैं बेटा। इसकी रिएक्शन लिखोगे तो क्या हो जाएगा, जिंक प्लस कॉपर डाई पॉजिटिव इक्वल टू हो जाएगा जिंक डाई पॉजिटिव प्लस कॉपर, ये तो होगा। तो क्यू की वैल्यू इसके लिए क्या हो जाएगी, जिंक आयन का कंसंट्रेशन अपॉन कॉपर आयन का कंसंट्रेशन, यही तो होगा बस। तो यहाँ पे क्या लिख लोगे, क्यू की वैल्यू लिख लोगे, तो ये हो जाएगा ई सेल को बेटा मैं यहां से डायरेक्टली या इन्वर्सली लिख सकता हूँ बेटा, माइनस है तो इन्वर्सली हो जाएगा जिंक डाई पॉजिटिव अपॉन कॉपर डाई पॉजिटिव। क्लियर, यही तो होगा, ये बेटा ऊपर चला जाएगा, तो हम कहेंगे कि ई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा कॉपर डाई पॉजिटिव आयन के और जिंक डाई पॉजिटिव आयन के, यही तो होगा क्या, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा बस। वैल्यू निकाल लें, तो यहाँ पे ईवन की वैल्यू निकालोगे तो बेटा क्या करोगे, कॉपर 1 अपॉन 0.01, सॉल्व करोगे वैल्यू कितनी आएगी 100। यहाँ पे बेटा ये 0.01 बाई 1, ये हो जाएगा 10 to the power -2। अब बताओ किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा, ईवन ज्यादा, ये वैल्यू ज्यादा तो ई ज्यादा, मतलब ईवन ज्यादा होगा E2 कम होगा, तो आंसर कौन होगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन एलिमेंट एग्जिबिट द लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। बट आपको पता है ये मरकरी होगा, क्योंकि ये क्या होती है, लिक्विड होती है, इसका फ्रीजिंग मेल्टिंग पॉइंट भी कम है और बॉइलिंग पॉइंट भी कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट व्हेन 2 मोल ऑफ PCl5 हीटेड इन द क्लोज वेसल्स ऑफ 2 लीटर कैपेसिटी एट इक्विलिब्रियम 40% ऑफ PCl5 बी डिसोसिएटेड इनटू PCl3 एंड Cl2। बेटा देखो ये है PCl5, ये डिसोसिएट हो रहा है PCl3 एंड PCl2 में, यही तो हो रहा है। अब क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि इसका 40% डिसोसिएट हो गया, इन्होंने इसीलिए से कितना लिया 2 मोल लिया, तो बेटा इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे कंसंट्रेशन ही टर्म्स यूज कर ले रहा हूँ, वॉल्यूम कितना दिया है 2, तो एक्चुअली उन्होंने कितना लिया 1 मोल कंसंट्रेशन लिया। उसके बाद एट इक्विलिब्रियम क्या होगा बेटा, एट इक्विलिब्रियम होगा 1 माइनस कुछ डिसोसिएट होगा, यहाँ पे हो जाएगा एक्स और यहाँ पे हो जाएगा एक्स, और ये जो एक्स की वैल्यू है कितनी है 40% है PCl5 का, तो यहाँ पे जो एक्स लोगे वो कितना लोगे 40%, 1 x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 का 40% बेटा, ये हो जाएगा कितना 0.4, बस x की वैल्यू रख लो 1 माइनस 0.4, यहाँ पे हो जाएगा 0.4 और यहाँ पे हो जाएगा 0.4 बस। केसी का एक्सप्रेशन कंसंट्रेशन ऑफ दिस दिस, तो हो जाएगा x इंटू एक्स अपॉन
ये हो जाएगा क्या, 1 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू रख लो 0.4 इंटू 0.4, 1 माइनस एक्स करोगे वैल्यू आ जाएगी 0.6, सॉल्व करोगे वैल्यू आएगी 0.2666, ठीक है। तो आंसर कौन सा होगा बेटा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गिवन कंपाउंड ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डायपोल मूवमेंट, तो पूछ रहे हैं कि किसका डायपोल मूवमेंट बेटा, टॉलविन का स्ट्रक्चर क्या होगा, ये होती है आपकी टॉलविन, इसके बाद मेटाक्लो डाइक्लोरोबेंजीन, ये हो गई आपकी मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, नेक्स्ट है आपका आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, तो यहाँ क्लोरीन और एक आर्थो पोजीशन पे क्लोरीन, और नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट कह रहे हैं आपसे डाइक्लोरोपैरा, ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं म्यू की। तो बेटा इधर क्या होगा, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये होगी, इसमें डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन दिस एंड एयर दिस, और इसमें क्या होगा, ये होगा, और यहां पे देखो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये और, ठीक है बेटा, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो इसका म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, इसके लिए तो जीरो हो जाएगी। अब बात करते हैं, देखो यहाँ जो डायपोल मोमेंट होता है वो क्या होता है, क्यू इंटू डी, यही तो होता है, रूट क्यू इंटू डी, और आगे करोगे तो बेटा वो कास थीटा भी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों वेक्टर है। अब बेटा देखो, जिसमें जितना कम एंगल होगा उतना ज्यादा क्या होगा, उसका डायपोल मोमेंट होगा। अगर इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंस निकाला जाए तो सबसे कम डिफरेंस बेटा इसमें आएगा, और जब इसमें आएगा तो इसका डायपोल मोमेंट क्या होगा, सबसे कम होगा, मतलब इन तीनों में सबसे कम होगा, ठीक है। तो फर्स्ट का मतलब ये हो गया आपका फोर, ये हो गया थर्ड, और ये हो गया क्या, सेकेंड, और ये हो गया फर्स्ट। तो सबसे कम किसका है, फोर्थ का, क्योंकि इसका तो जीरो ही हो चुका है। अब इन तीनों में बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंस बहुत कम है, क्योंकि यहाँ sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, और ये, जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंस ज्यादा है, तो इन दोनों का जो होगा वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू दिस, ठीक है। तो सबसे कम क्या होगा बेटा, इसको ये ऐसे नहीं, ये सबसे कम है, ये होगा, ठीक है, इसके बाद फर्स्ट आएगा। अब बात करते हैं इन दोनों में, तो बेटा कॉस थीटा की वैल्यू कम, जितने में कम होगी उसकी या डायपोल मोमेंट की वैल्यू ज्यादा होगी, तो इसमें क्या है, कम है, तो ये सबसे ज्यादा होगा, मतलब सेकेंड और फिर था, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फॉर 2s ऑर्बिटल, बेटा s के लिए l की वैल्यू क्या होती है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ये होता है रूट का l ब्रैकेट में l+1 अपॉन h अपॉन 2π, यही तो होता है बस। अब s के लिए l की वैल्यू क्या होगी बेटा, l की वैल्यू जीरो होगी, यहाँ वैल्यू जीरो रखोगे तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो, आंसर क्या होगा, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्राई बेसिक एसिड, ट्राई बेसिक एसिड मतलब ये ऑक्सैलिक एसिड स्ट्रक्चर क्या होगा, COOH और ये COOH, बेटा इसकी बेसिसिटी कितनी है, दो है, तो ये तो होगा नहीं। टार्टरिक एसिड, ये होता है बेटा टार्टरिक एसिड, COOH, यहाँ H H और ये COOH, यहां से भी बेसिसिटी आप देखोगे तो कितनी आएगी, दो। लैक्टिक एसिड बेटा, ये होता है लैक्टिक एसिड, इसकी बेसिसिटी निकालोगे कितनी आएगी, वन। अब बात करते हैं सिट्रिक एसिड की, सिट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर ये होगा COOH, यहाँ पे हो जाएगा CH2, फिर हो जाएगा CCOOH, यहाँ पे हो जाएगा आपका OH, और यहाँ पे हो जाएगा COOH, क्लियर हो गया, नहीं बेटा एक और होगा इसमें CH2 देन COOH होगा, ये हो गया आपका क्या, लैक्टिक एसिड, और इसकी बेसिसिटी देखो बेटा कितना, 1 2 3, तो इसकी बेसिसिटी 3 है, ट्राई बेसिक पूछ रहे हैं, तो आंसर कौन होगा, डी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन, कैलकुलेट द एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला पूछ रहे हैं बेटा, कार्बन का पहले परसेंटेज निकालो 74.0 बाय ये हो जाएगा 12, इसके बाद हाइड्रोजन है कितना 8.65 बाय 1, उसके बाद एन है आपका 17.3 बाय 40, सॉल्व करो ये कितना आएगा, ये 6 हो जाएगा, 6.1 के आसपास आएगा बेटा, ये तो 8.65 ही रहेगा, और ये कितना आ जाएगा, 1.2 के आसपास आएगा, ठीक है। अब बस
1.2 इसमें डिवाइड कर दो, सिंप्लीफाई कर दो तो हो जाएगा 1, बेटा इसको डिवाइड करोगे 1.2 से तो अप्रोक्स 7 के आसपास आएगा, और बेटा इसको 1.2 से डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आएगी 5 क्या। तो कार्बन कितना हो गया 5, हाइड्रोजन 7, नाइट्रोजन 1, आंसर कौन सा होगा बेटा, सी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द गिवन एसिड इन डिक्रीजिंग आउट ऑफ देयर ए सी डी टी। बेटा ये क्या है, अलग अलग एलिमेंट के एसिडिक स्ट्रेंथ है, आपको पता है एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट, इन सब का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। H2SO3, H3PO3 और ये हो गया HClO3, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें कितना होगा बेटा, इसका होगा +4, इसमें कितना होगा इसका 3 है, +3 तो +3, और यहाँ पे होगा कितना +5। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी, थर्ड की, तो सबसे ज्यादा थर्ड, देन क्या होगा फर्स्ट, देन क्या होगा सेकेंड, आंसर कौन होगा थर्ड फर्स्ट सेकेंड, डी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग केमिकल रिएक्शन कैसे होगी। कह रहा है आपके केमिकल रिएक्शन आकर विद एवरी मॉलिक्यूलर कोलिजन, गलत है बेटा, इफेक्टिव मॉलिक्यूलर कोलिजन से रिएक्शन प्रोसीड होती है, हमेशा मॉलिक्यूलर से नहीं होगी। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड, बेटा ये बिल्कुल सही है क्योंकि इसी पर रेट डिटरमाइन करती है, ठीक है। कह रहा है रिएक्शन इन गैस वेजेज आर ऑलवेज जीरो ऑर्डर, गलत है, रिएक्शन रेट आर द ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड, इससे रेट का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो आंसर कौन सा होगा बेटा, बी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, 1 लीटर सैंपल ऑफ नाइट्रोजन CO2, 1 लीटर सैंपल है, कह रहे हैं द एवरेज ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल सेम इन द नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। बिल्कुल सही है बेटा, क्योंकि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है ये क्या होती है, KT, 3/2 KT होती है बेटा, यहाँ मॉलिक्यूलर वेट से कोई लेना देना नहीं है, तो आंसर क्या होगा, ये स्टेटमेंट सही है। कह रहे थे आरएमएस स्पीड रिमेन सेम फॉर द बोथ N2 एंड CO2, बेटा अभी आरएमएस क्या होती है, ये होती है रूट ऑफ 3RT/m, बेटा जो वी आरएमएस है मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड कर रही है, और बेटा इन दोनों का मॉलिक्यूलर वेट क्या है, अलग अलग है, इसलिए आरएमएस स्पीड तो सेम होगी नहीं, तो ये गलत होगा, तो आंसर कौन होगा बेटा, बी होगा, ठीक है। बाकी स्टेटमेंट भी चेक कर लेते हैं, डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन इज लेस देन दैट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, डेंसिटी क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम, बेटा देखो वॉल्यूम क्या है इसका फिक्स है 1 लीटर है, तो डेंसिटी यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट होगा, बेटा आपको पता है नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट 28 और CO2 का कितना होगा 44, इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा तो इसकी डेंसिटी ज्यादा, तो नाइट्रोजन की डेंसिटी क्या होगी कम होगी एज कम्पेयर टू CO2, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। नेक्स्ट कह रहे हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ऑफ डिफरेंट फॉर टू का, गलत, बिल्कुल सही है बेटा, जो वेलोसिटी मोस्ट प्रोबेबल होती है ये होती है रूट का 2.5 RT/m, मतलब ये भी मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड कर रही है, और मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करेगी तो डिफरेंट मॉलिक्यूलर मास है तो वेलोसिटी भी डिफरेंट होगी, क्लियर। तो सभी सही है, ये गलत है, क्यों गलत है मैं अभी आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इम्प्योरिटी हैविंग द फॉलोइंग टाइप वैलेंस इलेक्ट्रॉन शुड बी एडेड टू सिलिकॉन टू गेट एन टाइप सेमी कंडक्टर, बेटा एन टाइप सेमी कंडक्टर के लिए हम किसको, फिफ्थ ग्रुप को मैच करते हैं फिफ्थ ए ग्रुप को। आपको पता है कि जो फिफ्थ ए ग्रुप है, फिफ्थ ए ग्रुप जैसे नाइट्रोजन फास्फोरस, ये फिफ्थ ए ग्रुप के होते हैं, फिफ्थ ए ग्रुप में क्या होगा बेटा, फिफ्थ ग्रुप में होगा आपका जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 5 होते हैं, क्लियर। तो आंसर क्या होगा बेटा, डी, 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले को आप मिक्स करोगे एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए। नेक्स्ट है, विच इज ऑब्टेन व्हेन क्लोरोफॉर्म इज ट्रीटेड विद कंसंट्रेट HNO3, ठीक है, क्लोरोफॉर्म को ट्रीट कर रहे हैं किससे बेटा, HNO3 से, तो हमें मिलेगा आपका कंपाउंड, ये मिलता है CCl3NO2, इसका नाम है क्या बेटा, क्लोरोपिक्रेन, और यही क्या होती है, टीयर गैस, क्लियर, यही आपकी क्या है, टीयर गैस, क्लियर। तो आंसर क्या होगा, ये होगा क्लोरोपिक्रेन इज द राइट आंसर, ओके। तो बेटा आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने केमिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस किए, बेटा आज का पेपर बहुत इजी था, बहुत इन द सेंस इजी है कि आप इसमें 160+ तो करोगे ही, ठीक है, अगर आप सिली मिस्टेक नहीं करोगे तो मुझे लगता है 170+ इज द गुड स्कोर।
और अगर 150 से अगर कम है तो यू हैव टू नीट, बहुत ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी तक के टेस्टों में सबसे इजीएस्ट पेपर रहा है। बिल्कुल थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट एकदम बिल्कुल छोटे छोटे यूज हुए हैं, इसमें आपको सिर्फ बेसिक नॉलेज की जरूरत थी। ओके, तो आई होप मुझे लग रहा है कि ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। फिर भी बेटा मैं चाह रहा हूँ कि आप कमेंट जरूर करें, क्योंकि कमेंट से ही मुझे पता चलता है कि कौन सी चीजों में मैं गलती कर रहा हूँ या कौन सी चीजें आपको समझ में नहीं आ रही हैं। तो कमेंट बहुत मस्ट है, क्योंकि कमेंट से ही मैं जान पाता हूँ कि आपको चीजें समझ पाई हैं कि नहीं। अगर ये लाइव क्लास होता तो आप डायरेक्ट मुझसे इंटरेक्ट हो सकते थे, लेकिन ये लाइव तो है नहीं, तो इसके लिए इंटरेक्शन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि अगर आप कमेंट करोगे तो मुझे समझ में आएगा कि मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ, कौन सी चीजें वो कर रहा हूँ। तो बेटा कमेंट जरूर करें, मेरे पढ़ाने में क्या कमी रह रही है, कौन सी मैं चीज अधिक कर दे रहा हूँ, इसके बारे में मुझे जरूर बताएं। ठीक है, आपका ओपिनियन बहुत जरूरी है मेरे लिए, और वो कमेंट बॉक्स के थ्रू आप बता सकते हैं। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।